यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है जो छिपी है अंतरिक्ष की गहराइयों में। वहाँ कहीं दूर हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जो अपने तारे का ऑर्बिट कर रहे होंगे, जहाँ जीवन के पनपने लायक कंडीशंस मौजूद होंगी। कटिंग एज साइंस और टेलीस्कोप्स की न्यू जनरेशन हमें न्यू टूल्स प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी डीप स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा जासूस अपने शिकार पर चला है, जानने हमारी मनुष्य जाति के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। हमारे शहरों की चकाचौंध करने वाली लाइटों से दूर बंजर सड़कों के किनारों पर एक अमावस की रात को हमें ऊपर देखने पर मिलता है सांसों को थमा देने वाला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का नजारा, जिसमें हम देखते हैं हजारों, लाखों और करोड़ों तारों को, जो कि हमें थमासा देते हैं। लेकिन अब एक और बार देखिए, वो सभी तारे असल में हमारे सूर्य जैसे तारे हैं, जो लगभग 9 बिलियन तारे हैं, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद तारों का केवल 22% वा हिस्सा ही है, और जिनके पास अपने ग्रह भी हो सकते हैं, जो शायद जीवन को पना देने लायक हों। यह सब एक एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम, जो कि कैलिफोर्निया और हवाई में मौजूद है, उन्होंने अनकवर किया है। उन्होंने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से डेटा को निकाला। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक हाई पावर्ड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है, जिसे सन 2009 में लॉन्च किया गया था। केपलर का मिशन था कुछ ऐसे खास ग्रहों को दूसरे तारों के पास खोजना, जो कि पृथ्वी जैसे जीवन को पना देने लायक हो। केपलर प्लैनेट हंटर ने 42,000 हमारे सूर्य जैसे तारों का सर्वे किया, जो कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद तारों का एक नामात्र हिस्सा है। अपनी इस सर्च के दौरान केपलर खोज रहा था एक ऐसा सुराग जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे। वो था कि किसी तारे से आ रही रोशनी का वहाँ पर मौजूद प्लैनेट के कारण डिम होना, जो कि उस तारे से आ रही रोशनी और हमारे बीच से क्रॉस हुआ हो। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन बिलियन हमारी पृथ्वी के जैसे ग्रह मौजूद हैं। सोचिए, अगर उनमें से 1% के भी 1% ग्रहों ने अगर इंटेलिजेंट लाइफ को डेवलप कर लिया हुआ, तो शायद हम उनकी तरफ देख रहे हों, और जिसके साथ हम लगभग 10 मिलियन बिलियन इंटेलिजेंट सभ्यताओं की ओर देख रहे हों। केपलर के साथ दूर तक देखने वाले हबल ने हमारे यूनिवर्स की हमारी समझ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी समझ के अनुसार काफी छोटे छोटे रॉकी प्लैनेट्स इस अंतरिक्ष में हो सकते हैं, जिन पर जीवन पनप सकता है, जो कि स्पेस कम्युनिटी में एक्साइटमेंट को जगाए हुए है। हमारे वैज्ञानिक लगे हैं जीवन के संकेतों को खोजने में लगभग पिछले 50 सालों से, जब पहली बार रेडियो टेलीस्कोप को यूज किया गया किसी तरह की इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नेचर को खोजने के लिए, और हमने अपने सिग्नल्स को भी हमारे अंतरिक्ष में टीवी ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट ट्रांसमिशन की मदद से भेजा। लेकिन अब तक ना ही तो हमें कोई लाइफ का सिग्नल मिला और ना ही हमारे किसी सिग्नल का रिप्लाई आया। आज हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिक केवल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस या किसी एडवांस सिविलाइजेशन को नहीं खोज रहे, इसके बजाय वो सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और रोबोटिक टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल उन कंडीशंस को खोजने के लिए कर रहे हैं, जो कि जीवन की संभावना के लिए अनुकूल हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ही वो अकेला ग्रह है जहाँ पर जीवन पनप सकता है और जीवन पनप रहा है, जिसकी एक झलक ने यह पॉसिबल किया, जो कि एक क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके लिए 3 मुख्य तत्वों का होना जरूरी है, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, एक लिक्विड जैसे कि पानी, ताकि वो तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे में मिक्स हो सकें और मिलकर और ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकें, और एक एनर्जी सोर्स जैसे कि हमारा सूर्य, जो कि केमिकल रिएक्शन को पावर करेगा, जो जीवन को जन्म देगी, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बींग्स को।
पृथ्वी पर जीवन हमें सबसे रिमोट लोकेशंस पर भी देखने को मिलता है। हाल ही में डीएनए के ट्रेसेस को आइस फ्लोर से खोजा गया, जो कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के कई किलोमीटर नीचे दबी है। हमारे समुद्रों की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास भी हमने जीवन को पनपते देखा है। अगर जीवन इन जगहों पर सरवाइव कर सकता है, तो जीवन और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी पनप सकता है। हमारी पृथ्वी का करीबी पड़ोसी मार्स हमारा जीवन को खोजने के लिए एक मेजर फोकस रहा है। अलग अलग मार्स मिशन से मिली सैटेलाइट इमेजरी ने उस थ्योरी को भी काफी बूस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग मार्स की सतह पर किसी समय पानी बहता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर मौजूद नदियों और नालियों का डेंस नेटवर्क शायद किसी प्राचीन नदी या बर्फ के पिघलने या फिर बारिश के कारण बना होगा, लेकिन वो लिक्विड वाटर कई बिलियन साल पहले ही मंगल से गायब हो गया, जब यह ग्रह ठंडा हुआ और इसका एटमॉस्फेयर गायब हो गया। वैज्ञानिकों के एक एस्टीमेट के अनुसार इसके पोलर आइस में इतना पानी इकट्ठा होकर जमा हुआ है, जो कि पिघलने पर इस पूरे ग्रह को 80 फीट गहरे ओशियन से कवर कर सकता है। जब नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, तो इसने और ज्यादा पानी को खोजा, जो कि मंगल ग्रह की जमी हुई मिट्टी में फंसा हुआ है। यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का एक उम्मीद भरा संकेत है। कुछ 100 मिलियन माइल्स दूर जुपिटर का एक मून यूरोपा जीवन की संभावना के लिए नासा का सबसे अच्छा दांव है। यूरोपा की आइस क्रस्ट के नीचे विशाल ओशियन है, जहां बैक्टीरियल लाइफ भी मिल सकती है, स्पेशली अगर यूरोपा की सतह के नीचे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हों। लेकिन जिसका पता लगाने के लिए हमें एक दशक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा शायद यूरोपा के लिए सन 2025 तक मिशन को लॉन्च करे। हमारे वैज्ञानिक आज कड़ी मेहनत करने लगे हैं कल को काम करने वाले प्लैनेट हंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में। नासा और एमआईटी के बीच हुए ऐसी एक एग्रीमेंट के बाद सन 2017 में टेस्ट को लॉन्च किया गया, जो आज लगा है एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में। वो छोटे ग्रह जिनका कोई अपना पेरेंट स्टार हो, और यह ऐसे ही ग्रहों को कैटलॉग करके फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार रखेगा। सन 2021 में नासा के द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जो कि नासा की नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इस टेलीस्कोप्स के 18 हेक्सागनल मिरर, जो कि जुड़ने पर 21.4 मीटर्स के होंगे, जो कि इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा लाइट गैदरिंग पावर देंगे। इस टेलीस्कोप की इमेज की शार्पनेस, जो वैज्ञानिकों को एक पेनी को 24 माइल्स की दूरी से देखने की क्षमता देगी। इस टेलीस्कोप की सबसे नोटेबल एबिलिटी है कि यह इंफ्रारेड लाइट को देखने के काबिल होगा, जिसकी मदद से यह एलियन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए ट्रेस करेगा, और कई और गैसेस के लिए भी ट्रेस करेगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पैदा की जाती हैं। लेकिन किसी अर्थ जैसे किसी ग्रह को खोजना, जिसे अर्थ ट्विन कहा जा सके, एक प्लैनेट जिसका साइज और टेम्परेचर बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो, यह हमारे लिए एक काफी बड़ा चैलेंज होगा। नजदीकी तारों से आ रही चमकीली रोशनी हमें इस तरह के ग्रहों को देखने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। एक और प्रोजेक्ट है जिस पर नासा काम कर रहा है, जो कि एक जायंट स्टार शेड है, जो कि टेलीस्कोप्स की मदद करेगा तारों से आ रही रोशनी को रोकने में, ताकि हम एक्सोप्लैनेट्स को और अच्छे से देख सकें। अगर सब कुछ सही रहा तो स्टार शेड को एक सेपरेट टेलीस्कोप की मदद से सन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इन बिलियन गैलेक्सीज और कुछ 100 बिलियन प्लैनेट्स के बीच जीवन के मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पृथ्वी के बाहर मौजूद जीवन आखिर अभी हमारी नजरों में आता जा रहा है।
दोस्तों आपका क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी तरह के अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।